पॉजिटिव चीजें भी हैं। अभी आप पे निर्भर करता है कि जिंदगी को आप किस डायरेक्शन से लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम द लेब्रनम टॉप। क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद इसकी समरी और बाकी सारा कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूं। पोएट कहते हैं द लेब्रनम टॉप इज क्वाइट सिल। सबसे पहले आइए समझते हैं ये लेब्रनम क्या होता है। यूरोप में पाया जाने वाला एक पेड़ है बेटा लेब्रनम, जिसके पीले से पत्ते होते हैं और जिसके सीड्स जो होते हैं वो पॉइजेनियस होते हैं। छोटा पेड़ है, हाइट में कम होता है, लेकिन इसके पत्ते जो होते हैं पीले होते हैं और सीड्स जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। ओके, तो कहते हैं द लेब्रनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। ये जहरीला पेड़ है, इसके आसपास अक्सर पंछी नहीं बैठते हैं। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर नाइट। अब सेप्टेम्बर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेप्टेम्बर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ऑटम, ऑटम सीजन। सेप्टेम्बर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ऑटम सीजन। सेप्टेम्बर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ऑटम सीजन। नाउ व्हाट इज ऑटम सीजन? पतझड़ का मौसम, जिसमें पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसको ऑटम सीजन कहते हैं। ओके, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग। तो क्या होता है, पत्ते पीले होना शुरू हो गए एंड इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे जहरीले जो बीज हैं वो गिर चुके। टिल द गोल्डफिंच, अभी गोल्डफिंच क्या है, एक गोल्डन कलर का पंछी है बेटा। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग श्रिप, ये पंछी की आवाज चहचहाट। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और सडनली ये जो खामोशी है, ऊपर बताया गया था ना साइलेंट क्वाइट स्टिल, वो टूट जाती है। देन सीक ए स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स। वो पेड़ के अंदर की तरफ जाती है, थिक हिस्से पे जाती है और मशीन स्टार्टअप। मशीन स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जैसे ही महसूस करते हैं कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं कि हमारी माँ आ गई है, तो मदर इज हियर, दे फील हैप्पी। ओके, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपको लोगों के लिए, द लेब्रनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। आई रिपीट, लेब्रनम क्या होता है, एक तरह का पेड़ है यूरोप में, वो चुप है, खामोश है, हवा नहीं चल रही, एकदम साइलेंट। अक्सर इसके आसपास पंछी भी नहीं बैठते, कारण यही इसके जो सीड्स होते हैं लेब्रनम के वो पॉइजेनियस होते हैं, जहरीले होते हैं। सो द लेब्रनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। सेप्टेम्बर यहाँ पे आपको मैंने बताया बिगिनिंग ऑफ द ऑटम सीजन रिफर करता है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन, उसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं और उसके बीज जो है वो गिर चुके हैं, जहरीले बीज उससे गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, ये खामोशी कब तक है, जब तक गोल्ड फिंच बर्ड नहीं आया होता। जब बर्ड आता है विद अ ट्विचिंग श्रिप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच है, और सडनली एक तरह से सब कुछ अलाइव हो जाता है। सडननेस, स्टार्टलमेंट मतलब सरप्राइज। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, वो घने हिस्से में अंदर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको रियलाइज हो गया कि मम्मी आ गई, दे स्टार्ट ट्रिपिंग। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो जो पूरा पेड़ शांत पड़ा था, खामोश पड़ा था, अब वो अलाइव हो गया। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब क्या करती है, ये अपने परिवार को कैरेस करती है, प्यार दिखाती है उनके साथ, उनको खाना खिलाती है और फिर वहां से देन विथ एरी डेलिकेट विसल, आवाज निकालते हुए, श्रिप एंड विस्परिंग्स, अपनी पंछियों की आवाज निकालते हुए, शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इंफाइन, फिर अनंत आसमान की तरफ चली जाती है। एंड द लेब्रनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, तो पेड़ फिर से शांत हो जाता है।
अब आइए इसकी समरी पढ़ते हैं बेटा। टेड ह्यूज द्वारा लिखे थे पोयम है क्लास 11 की हॉर्नबिल पोम टू। टेड ह्यूज कौन थे आइए सबसे पहले ये सुनते हैं। टेड ह्यूज बाय नेम ऑफ एडवर्ड जे ह्यूज, जन्म हुआ अगस्त 17, 1930 मैथलोमॉड यॉर्कशायर इंग्लैंड में। 28 अक्टूबर 1998 में इनकी डेथ हुई लंदन में। इंग्लिश पोएट हुज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्ड्स इज विदाउट सेंटिमेंटैलिटी एम्फसाइजिंग द कनिंग, कनिंग मतलब दुष्ट, एंड सेवेजरी ऑफ एनिमल लाइफ इन हार्श समटाइम्स डिसजंक्टिव लाइन्स। मतलब जानवरों का एग्जाम्पल दे के वो इंसानों की जिंदगी के ऊपर प्रहार करते हैं। हम कई बार कहते हैं कि तुम जानवर हो गए हो क्या, कई बार जानवर हमसे बेटर बिहेव करते हैं, बेटर मैनेज करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, अपने यहां आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के तो को। हाँ ये रहा समझ। तो पोयम की समरी क्या है? द पोयम स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैब्रिनम ट्री हुज टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट, इट्स लीव्स हैड टर्न्ड येलो एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन। इट वाज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक। डेथ लाइक क्यों है? क्योंकि ऑटम का सीजन है, उसके पत्ते झड़ रहे हैं। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ अ गोल्डफिंच बर्ड। मैंने बताया ना गोल्डफिंच एक बर्ड है। शी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर on the thickness of the branch. The tree is her shelter. She arrives at the end of the branch with the chirping of sounds. She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary movement like a lizard. बहुत अच्छे बेटा, poem number 3 चल रही है, the labrinum top. आगे बढ़ते। She further moves to the other side of the branch with rapid precautionary. Precautionary मतलब ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए। हमको बोलते हैं ना precaution रखा करो, safety maintain करो। As soon as she arrives, her younger one, उसके बच्चे चूजे, start tripping like a machine and vibrating and flapping their wings. The death-like tree becomes alive and trembles and shakes. After feeding them, she flies to other side of the branch. Her dark-colored face with the yellow body was barely visible. As she vanished behind the yellow leaves, she flew away in the sky, leaving the tree death-like again. यहाँ पे क्या समझाना चाहती है पोएट्स? पोएट ने क्या समझाने की कोशिश की है कि बेटा आपके जीवन में कभी भी कोई भी स्थिति अनंत काल तक नहीं है। मुसीबतें हैं तो अनंत काल तक नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं तो अनंत काल तक नहीं है। जीवन जो है अप एंड डाउन से भरा हुआ है। देखिए पेड़ एकदम साइलेंट था, दूसरा उसको जहरीला बताया गया, मतलब उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता होगा, फिर भी वहां पे एक बर्ड ने अपना घोंसला बनाया है। दिस गोज ऑन टू शो कि लाइफ में कभी भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती कि उसमें कुछ अच्छा ना हो, हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता। ठीक है बेटा, आप सब लोगों में से अच्छे से पोयम रीड करिए। मैं आपके लिए अगेन पोयम वापस स्क्रीन पर रख देता हूँ, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट ना हो तो मैं एक और टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। ये किसने कलाकारी की भाई? रीड करिए, कोई डाउट हो तो चैट में मैसेज डालिए। The labrinum top, startlement, वो चौक जाना।
चलिए भाई, कई सारे डाउट्स आना शुरू हो जा गए हैं। स्लीक एज अ लिजर्ड, आपने कभी अगर किसी लिजर्ड को चलते हुए देखा हो तो वो बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही केयरफुली चलती है, हर तरफ ध्यान देती है। ठीक है, नेक्स्ट है सडननेस, तो मैंने बता दिया अचानक। एब्रप्ट, ये भी सेम मीनिंग है, आधे में छोड़ दिया गया, सडन। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है। स्लीक एज अ लिजर्ड भी बता दिया। विस्परिंग, पंछियों की आवाज, धीमी आवाज में जब आप बोलते हो तो उसको विस्परिंग कहते हैं। स्लीक यानी फुर्तीला। सेकेंड फेज सेकेंड लाइन मीन्स, अरे बताया ना बेटा, जब वो बर्ड आया तो बहुत ही कॉशियसली, केयरफुली, धीरे धीरे आगे बढ़ा। ट्रेमर ऑफ विंग्स, जब पंछी अपने पंख फड़फड़ाते हैं बेटा तो एक कंपन पैदा होता है, ट्रेमर उसको कहते हैं। थ्रिल्स मतलब मजा लेना जिंदगी का। चिटरिंग, पंछियों की आवाज। एब्रप्ट सडन, आई रिपीट एब्रप्ट सडन। दुशांत, सेप्टेम्बर के बारे में पूछना है आपको बेटा। रुशांक आप मुझे बताएंगे बेटा सितंबर क्या होता है? आपने डाउट में लिखा है सर सितंबर। नहीं नहीं पहले मुझे रुशांक से पूछना है, रुशांक सितंबर क्या होता है बेटा? अनम्यूट करते हैं रुशांक को। रुशांक आप अनम्यूट हो, पूछिए सितंबर के बारे में क्या। सर वो जल्दीबाजी में लिख गए, वो जो पॉइंट है ना, इन द एफोनोम ईयर, वो वाला येलो सितंबर। हाँ बस वो वाला पॉइंट नहीं समझ, वो बोल जल्दबाजी में लिख गए। मैं तुम्हें पता नहीं कि सितंबर क्या होता है, मैं थोड़ा बता दूं। सितंबर तो पता है वो ईयर है, पर वो सितंबर ईयर है जो लाइन है ना वो येलो के बाद। ऐसे नहीं, सितंबर ईयर होता है मंथ। यार तू झटके पे झटके दे रहा है रुशांत। समझाता हूं ध्यान से सुनो, आफ्टरनून येलो सितंबर का मतलब क्या है ध्यान से समझो। सेप्टेम्बर मंथ रिफर्स टू ऑटम सीजन, पेड़ों से पत्ते झड़ना शुरू हो जाते। ओके क्लियर? हाँ सर, वो ही लाइन नहीं समझ में आई इसीलिए। आ गया ना अभी बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट किसी को बेटा? हाँ 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 गार्गी अर्जुन, आ रहा हूँ बेटा आपका। मैं ऊपर की तरफ रुका हुआ था तो नीचे की तरफ आपका जो चैट आया वो देख नहीं पाया, सॉरी। एयरी का मतलब होता है सडन, समथिंग दैट शॉक्स यू। होम क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है? अच्छा सुनो बेटा, अभी ध्यान से, एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर आपके ग्रुप में अभी फॉरवर्ड कर रहा हूं। हमारा टॉपिक है उसका बहुत जोरदार टॉपिक है, फिगर ऑफ स्पीच। वो ऑडियो आपको सुनना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसी का डिस्कशन होगा बेटा। ओके अच्छा एक डाउट आया है, देखिए क्या है। ट्रिलिंग, ट्रिलिंग शब्द का मीनिंग होता है बेटा जैसे युद्ध की घोषणा करना। हाँ मुस्कान आपको कुछ काम था शायद, मैं आपको अनम्यूट करूं बेटा, कुछ काम है?
बेटा आपको चैप्टर वन मुझे पता है, स्नैपशॉट का चैप्टर वन और हॉर्नबिल का चैप्टर थ्री आधा आधा बाकी है। मैं पॉसिबली मंडे और ट्यूजडे को अपने लेक्चर सेट करके आपका करवा देता हूँ। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है बेटा, आई नो। लेकिन आपको एक चीज दिखानी थी, गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस आया है उसमें चैप्टर नंबर फोर द लैंडस्केप ऑफ सोल और लैब्रनम टॉप पोएम, ये दोनों पूछे जाने वाले हैं, समझे बेटा? इसीलिए ये करवाना जरूरी था। गवर्नमेंट की तरफ से जो थर्ड यूनिट टेस्ट का पेपर आ रहा है ना बेटा, उसमें लैब्रनम टॉप पोएम और लैंडस्केप ऑफ सोल यूनिट आने वाले हैं, समझे राजा? इसीलिए मैंने उनको फिलहाल छोड़ के ये आपको अर्जेंट में करवाया। डोंट वरी, नेक्स्ट वीक आपके चार लेक्चर होंगे इन प्लेस ऑफ टू, तो उसमें कवर करवा दूंगा। ओके चलिए, तो यहां पे ये लेक्चर करता हूं खत्म, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भेज रहा हूं, वो देखें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, उसको देखने के बाद अपने ओपिनियंस भी मुझसे शेयर करें, आपको समझ में आया टॉपिक की नहीं, कोई भी आपका ओपिनियन हो वो मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ सुरेंद्र बोलिए। अच्छा एक और अनाउंसमेंट है, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है सिलेबस 30% रिड्यूस होगा, तो कौन से चैप्टर कटेंगे अभी तक फाइनल नहीं है, इसीलिए टेक्स्ट धीरे चला रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। टेक्स्ट कम चलाने का या स्लो चलाने का एक ही रीजन है कि अभी तक तय नहीं किया गया है